ये मजाल? मत मारिए डैड। मारू नहीं तो क्या करूँ इसका? जान से मार दूँगा। डैड मत मारिए, छोड़ दीजिए, इसकी लाइफ का सवाल है। अंकल ये तो आप... तू पीछे हटो, पीछे मत पड़ो। इन्हें मारने दो आशा, इनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। सर आप सिर्फ आज की ही बात सोच रहे हैं, लेकिन मैं पूरी जिंदगी के बारे में सोच कर कह रहा हूँ, भगवान के लिए ये शादी कैंसिल कर दीजिए। क्या कहा तुमने? कैंसिल कर दूँ? अरे बेवकूफ, 8 साल की थी आशा जब इसने साइकिल की जिद की थी, सिर्फ आधे घंटे में 28,000 की साइकिल लाकर खड़ी कर दी थी इसके सामने। कॉलेज में इसने स्कूटी की जिद की, 1 घंटे के अंदर गाड़ी लाकर खड़ी कर दी थी मैंने इसके लिए, तेरे बारे में जानते हुए भी। तुझे अपना दामाद बनाना मंजूर किया सिर्फ इसकी जिद पे। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और तू कहता है शादी कैंसिल कर दूं। सुन, मेरी बेटी की खुशी से खेलने वाले को मैं छोड़ता नहीं। जानता हूं सर, आखिर आशा आपकी इकलौती बेटी है सर, और ये बेचारी मुझसे प्यार कर बैठी। मानता हूं कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है और बदले में मेरा प्यार भी चाहती है, पर मैं वो चीज कैसे दे सकता हूं जो मेरे पास नहीं है। आज मैं आपको एक सच बात बताता हूं, मैं आपकी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करना चाहता था। पूरी जिंदगी मैं पैसों के पीछे भागता रहा। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी गरीबी में निकाल दी, पूरी जिंदगी एक गैराज को शोरूम में नहीं बदल पाए। ये सब देखकर मैंने सोच लिया था सर कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा। सर मैं आपके पैसों से जितना प्यार करता था उतना आपकी बेटी से नहीं। मैंने कभी भी इसकी पसंद या नापसंद पर ध्यान ही नहीं दिया, पर मेरी नैना, मुझे सब पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझती है सर। वो तो मेरा पूरा ख्याल रखती है सर। सिर्फ शादी कर लेने से कुछ नहीं होगा सर, दिल का जुड़ना भी बहुत जरूरी है, तभी रिश्ता मजबूत होगा। इसलिए अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो ये धोखा देना होगा, आप दोनों के साथ ये धोखा होगा। सर एक बाप हमेशा अपनी बेटी की खुशी ही चाहता है, लेकिन वो खुशी मैं आपकी बेटी को नहीं दे सकता। मैं चाहूं भी तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। डैड प्लीज रुक जाइए। तुम चुप रहो। प्लीज। सुन, तूने तूने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। नहीं डैड, नहीं तोड़ा है। प्लीज डैड, प्लीज डैड मत मारिए इसे। लाइफ में फर्स्ट टाइम इसने सच बोला है, शादी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी भर पछताने से तो ये अच्छा है ना। आपको ये पसंद नहीं था ना, पर मेरे जिद से आप मान गए। मुझे लगा था मैं अपने लाइफ के हीरो से शादी करने जा रही हूँ, पर मुझे क्या पता था ये हीरो नहीं विलेन निकलेगा। ऐसा नहीं सोचा था डैड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं सही कर रही हूँ या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबरदस्ती की शादी मुझे भी मंजूर नहीं है डैड। ऐसी शादी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को नहीं डैड। मेरी बात मानिए। आशा, ना हो सके तो मुझे माफ कर देना।